सरकारी योजनाओं पर घोटालेबाजों की नज़र कितनी पैनी होती है, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है कि महिलाओं की शादी के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को भी घोटालेबाजों ने नहीं बख्शा। ऐसी ही घोटालेबाजों को एसटीएफ बरेली ने गिरफ्तार किया है, जिसने युवती से शादी का अनुदान दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की थी। एसटीएफ बरेली ने रामपुर पहुंचकर इस आरोपी को थानागंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जनपद रामपुर के थानागंज निवासी चार युवतियों से शादी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा शादी का अनुदान व रोजगार कल्याण योजना के तहत शासन से लड़की की शादी के लिए 3,80,000 रुपये दिलवाने के नाम पर ठगी की और उनसे करीब 2,00,000 रुपये अपने अकाउंट में डलवा लिए। फॉर्म भरकर कहा कि कुछ दिन बाद आपके पते पर चेक आ जाएंगे। कुछ दिन बाद उनके पते पर 3,80,000 रुपये के 4 चेक प्राप्त हुए। चेक बैंक में लगाए तो सभी चेक बाउंस हो गए। शिकायत पर उक्त प्रकरण की जांच एसटीएफ बरेली द्वारा की जा रही थी। जांच में प्रकरण फर्जी पाए जाने एसटीएफ बरेली टीम द्वारा उक्त अभियुक्त इस्लाम को मोहम्मद तलाब मुल्ला एरन से गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने क्या बताया, देखिए। इस्लाम हुसैन पुत्र इंतजार जो ज्वालापुर भैंसिया थाना बिलासपुर का रहने वाला है, इसने थानागंज क्षेत्र की चार महिलाओं को झांसा दिया कि उनकी शादी के लिए प्रत्येक महिला को 3,80,000 रुपया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनकल्याण सेवा समिति से अनुदान के रूप में दिलवा देगा। लेकिन इसने उन महिलाओं के सामने ये शर्त रखी कि उन महिलाओं को इसके अकाउंट में 2,00,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। इन महिलाओं द्वारा इस लालच में कि ये उन सबको 3,80,000 रुपये प्रत्येक महिला को दिलवाएगा, 2,00,000 रुपये इसके अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन जब इन महिलाओं को अनुदान नहीं मिला तो इनके द्वारा शासन को शिकायत की। शासन ने एसटीएफ टीम को लगाया। एसटीएफ की बरेली शाखा ने इस्लाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है और थानागंज पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।